बाप तो समझाने का हकदार है। कहते हैं पच्छड़ माल मन न बनो, सर्व से बुल बनो। सर्विस नहीं करते हैं, यज्ञ से खाते रहते हैं, फिर लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो जरूर उनका पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप तो ये बात सहन नहीं कर सकता कि ये जाकर के फोर्थ क्लास दास दासी आदि बने। तो बाबा मुरली में सावधानी देते हैं, अगर समझते नहीं है तो क्या कहेंगे, नहीं समझते हैं ये भी दे अभिमान। अगर बाप परिवार में नहीं होगा तो बच्चों को कैसे सावधान करेंगे। मुरली द्वारा टैप द्वारा समझावेंगे ना, फिर आगे चल करके टेलीविजन भी होगा। टेलीविजन में सामने होकर के खड़े होकर कहेंगे और नाम भी लेंगे, नाम ले लेकर के कहेंगे तुम फलाने फलाने आपस में लून पानी होकर के लड़ते हो। लून पानी होने से सर्विस को धोखा आ जाता है, दे अभिमान से सर्विस अच्छी नहीं होती है। आपस में खीर खंड होकर के रहेंगे तो अच्छी सेवा होगी। बाप को तो सर्विस का बहुत फुरना रहता है। दे अभिमानी आसुरी संप्रदाय जो होते हैं वो बहुत नुकसान कर देते हैं। माया ऐसा माथा मोड़ती है जो पता ही नहीं पड़ता है कि हम डिस सर्विस कर रहे हैं। तो अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है, आपस में पारिवारिक प्रेम से रहते हैं व नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इससे तो न बोलना अच्छा है। बाप कहते हैं हियर नो इविल, कोई उल्टा बोलता है तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, नहीं तो तुम असुर बन जाते हो। कहते हैं टाक नो इविल, उल्टा बोलने वाले को उल्टा जवाब न दो। परिवार में सामना नहीं करना चाहिए, परिवार में तो सहन करना होता है।